मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। बात करेंगे हम टॉरस या बुर्ज सौर वालों की कि आपके लिए ये जो 5 फरवरी से शुरू हो रहा है हफ्ता, 11 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, ये कैसा रहेगा पूरी तफसील के साथ हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर किया करें, इंशाल्लाह खालिक व मालिक बेहतर करेगा। यहाँ पर हमने अपनी एक एक सर्विस जो है वो सिर्फ आपके साथ आजकल हम शेयर कर रहे हैं, और वो है कि अगर आप दुबई के अंदर या और किसी मुल्क के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, हम स्पेशलिस्ट हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ग्लोरिया जींस कॉफ़ी की वजह से कॉफ़ी शॉप बनाना चाहें या इस किस्म का कोई बिजनेस करना चाहें, और दूसरा आप स्टॉक चेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी वीडियोज़ अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बात करते हैं बड़ी डिटेल के साथ हम कि ये हफ़्ता टॉरस या बुर्ज सौर के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम आपके ज़रा इस हफ़्ते को तफसील से देखते हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है वो 12वें घर में है, और रिस्पेक्ट टू द मून साइन वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके वर्क प्लेस के ऊपर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और सम हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके काम को ख़राब कर सकते हैं। मतलब आपकी हेल्थ ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस पे नहीं जा सकते, जॉब पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से मुखालफीन को आपके ख़िलाफ़ बात करने का, या आपके पार्टनर्स को चीज़ें हाइड करने का, या आपके वर्कर्स को चीज़ें चोरी करने का, खाने पीने का अगर रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस है तो मौका मिल सकता है। इसलिए इस वीक अपनी हेल्थ पे बड़ी तवज्जो दीजिएगा। जितना आप हेल्थ पे तवज्जो देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपके जो वर्क प्लेस के इशू हैं उनको आप हल करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। मेरी बातों से आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, इसको इल्मी तौर पे देखा करें, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा मेरी इस बात से डर जाने की ज़रूरत नहीं है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। आपका बुर्ज ऐसा है जो कि इन मामलों को बड़ी बहादुरी के साथ हल कर लेता है, और यही आपकी क्वालिटी है, और आप यहाँ पर भी हल कर लेंगे। यहाँ पर जब इस किस्म का कोई वक्त आ जाता है तो आप मेंटली और फिज़िकली ख़ुद को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग शख्स के तौर पर पाते हैं। हमने बहुत से जिसको मर्द बुरहान कहते हैं ना, बुरहान में या मुसीबत में जो शख्स खड़ा होता है वो आपका सितारा है। तो यहाँ पर भी हमें आप नज़र आ रहे हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पर आपको मेंटोर की ज़रूरत होगी, आपको किसी बड़े शख्स की ज़रूरत होगी। कोई ना मिले दीवार के साथ बात कर ले, ठीक है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जहन में बहुत अच्छे मर्ज हो रहे हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब पे हैं, सीनियर के साथ बात करें, जूनियर के साथ बात करें, अपने सोशल सर्कल में बात करें, अपने आइडियाज़ को फ्लोरिश करें, अपने आइडियाज़ पे बात करें, लोगों के साथ बात करें, हमें आपकी कामयाबी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा आपको इसमें मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ भी कहने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिएगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर एहतियात भी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे कितना बड़ा हो, 50 सफ़े हो, 100 सफ़े हो, 2 सफ़े हो, 9 सफ़े हो, आपने पढ़े बगैर साइन नहीं करना। एक दफ़ा गो थ्रू होना है, किसी की बात पे बिलीव नहीं करना, आपने उसको लाजमी रीड करके चलना है। ठीक है, लाजमी, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंटायर वीक के अंदर हमें आपकी लाइफ बड़ी पीसफुल हैप्पी हैप्पी नज़र आ रही है। अनटिल अनलेस कि आप घर टाइम गुजार रहे हैं, उसके बावजूद आपकी वाइफ जो है वो बड़ा खुश है कि चले आप घर में टाइम दे रहे हैं, बच्चे बड़ा खुश हैं, फैमिली मेम्बर्स बड़े खुश हैं। यहाँ पर हमें यह भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ तकरीबात में, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, शादी का है, इवेंट्स हैं, और भी आपको बुलाया जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो यूथ है उसके जहन में एक बात ये है, आप औरत हैं या मर्द हैं, अगर आप बिजनेस में हैं या आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग मैन हैं या जो भी है, एक बात जो आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके ख़ानदान में, आपके लोगों में सराहियत कर चुकी है या फैली हुई है, वो ये है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप चीज़ों को समझने में बहुत अच्छे हैं, तो लोग आपसे बड़े इंस्पायर हैं और वो आपके साथ बात करके सीखना चाहते हैं। सम ऑफ द यंगर मेंबर इन द फैमिली विल टॉक इंस्पिरेशंस फ्रॉम यू,
सॉरी विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज अमंग द एल्डर्स। तो ये बहुत अच्छा होता है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया। वैसे मैंने बताया कि रूहानियत आपकी बुलंद होती है, तो यहाँ पर आप सदका और खैरात करते चैरिटी करते नजर आ रहे हैं, और किसी के साथ मुस्कुरा के देख लेना भी चैरिटी है। किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लेना, किसी को अच्छी बात बता देना, किसी को पॉजिटिव बात बता देना, किसी की पढ़ाई में मदद कर देना, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ज़कात या खुम्मस भी भेजना चाहें तो हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात से, उनके साथ बात करने से आपकी जो मेंटल आपको परेशानी या चैलेंज है वो भी कम होगा, आप भी थोड़ा रिलैक्स होंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें सैटर्न की, जो कि 10वें घर में है, मून साइन भी है, तो यहाँ पे हमें कुछ कैरियर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने कैरियर के मामलात में थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, कैरियर को बहुत इजी मत लीजिएगा, मुखालफीन को टाइम मत दीजिएगा कि वो लेग पुलिंग कर सकें या बैक बाइटिंग कर सकें। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिएगा, अपने वज़ायफ़ लाजमी कीजिएगा, तो आपके मसले हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खालिक व मलिक बेहतर करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर देखें, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपके पास है, कोई आइडिया आपके पास है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हाफ कुक्ड मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर हाफ कुक्ड छोड़ेंगे विच कैन गेट यू इनटू सम बिग ट्रबल। ये हमारी तरफ से आप वार्निंग समझ लें, हमारी तरफ से आप अलार्मिंग सिचुएशन समझ लें, इंतबाह समझ लें, तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। ड्यू टू दिस, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ड्यू टू सैटर्न जो है बींग प्रेजेंट इन द 10th हाउस, मैंने आपको बता दिया मून साइन भी है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है दैट यू मे गेट इन टू ट्रबल कैरियर वाइज एवरी टाइम यू आर इन द हरी दिस वीक। अब ड्यू टू दिस यू एक्ट हैजली व्हेन एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज बींग शेयर विद दिस, एनीथिंग यू डू विल टर्न आउट टू बी अ हाफ कुक्ड विच कैन गेट इन टू सम बिग ट्रबल्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। एजुकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के मिक्स रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं लेकिन मिक्स रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हो सकता है कि आप जॉब के लिए लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल के लिए, किसी जगह एडमिशन लेने के लिए, किसी मुकाबले के इम्तहान में शिरकत करने के लिए, तो अब वो आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लॉन्ग टाइम जो आपका इंतज़ार था वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए उस तरह फेवरेबल ना हो, लेकिन आगे जाकर ये आपको फेवर देगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक से ही चांस बन जाएगा, चाहे आप प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं किसी भी मकसद के लिए, या वहाँ जाके कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा बनता जा रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्तखारा करा के देख के जाएँ कि आपके लिए मुल्क है भी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने से पहले इन चीज़ों को लाजमी देख लिया करें, बहुत अच्छा होता है इन चीज़ों को जानना और देख लेना। मोहब्बत के मामलों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नज़र तो नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है, तो अच्छा अच्छा जब नज़र आ रहा हो, एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आ रही हो, तो फिर चीज़ें फेवरेबल हों तो कर गुजरना चाहिए। सिंगल है तो डबल हो जाना चाहिए, कमिटेड है तो शादी कर लेनी चाहिए, शादीशुदा है तो औलाद नरीना की कोशिश करनी चाहिए, खालिक व मालिक बेहतरीन करेगा। आपकी औलाद के हिसाब से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन पिछले हफ्ते से मैं एक बात कह रहा हूँ, बैरून मुल्क रहने वाली बहनों से और भाइयों से ख़ासतौर पर औलाद पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा। अगर वो दूसरे शहर पढ़ने जा रहे हैं तब भी उन पर नज़र रखिएगा, अगर वो कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं तब भी नज़र रखिएगा, कौन दोस्त है उनके, क्या कर रहे हैं, ये लाजमी इस मंथ थोड़ा सा एहतियात लाजमी कीजिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सजा पाई है, तो आप ज़रा एहतियात लाजमी कीजिएगा। इस हफ्ते की ख़ास बात यह है कि आप फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन या आपने बुध वाले दिन किसी गरीब औरत को, बेवा वो गरीब हो, बच्चे पाल रही हो, आपके इलाके में बहुत सी ऐसी होती हैं, उनको आपने फूड देना है, चाहे औरत को दे, बच्चों को दे, एक प्लेट दे, 10 प्लेटें दे, इज़ अप टू यू। उसके अलावा अगर आप के पास इतना नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा 50 रुपये का बाजरा लेके छत पे डालें, चिड़ियों को खिलाएं, अगर वो भी नहीं, 100 रुपया लेकर आप दुकानदार से कहें कि चावल, चीनी, दाल, सुराख या पीली मिक्स करके दे। बड़े आंट होते हैं, कीड़े होते हैं, कब्रिस्तान में मिल जाते हैं आपको, मिट्टी में
या दरख्तों के नीचे मिल जाते हैं, वहाँ जाके उनको डालें, वो खाएंगे और आपके लिए दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह आपके वो मसाइल जो आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे कि आप कहेंगे कभी सोचा भी ना था। लॉटरी लेने वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा, लॉटरी के नंबर्स पे बड़ी आजकल बात हो रही है, तो लॉटरी के नंबर्स देखें, सीधे सीधे बात होती है कि कुछ साइंटिफिक बेस पर कुछ एरियाज़ और कुछ जैसे कि दुबई की मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे से जो रब्ता करते हैं उनको जहाँ पे वो रह रहते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ का मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पर आप ये नंबर लें, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे महफूज ड्रॉ है, या वहाँ पर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ये नंबर ट्राई करें, उम्मीद है कि बेहतर होगा। लेकिन वो सिर्फ उम्मीद के ऊपर बेस करता है, उसमें आपको ज़्यादा जो है वो लालच करना या ज़्यादा आस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।